शासन के द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार मंगलवार से व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खुले जाने की अनुमति के बाद महानगर में 11 बजे से स्टेशनरी सहित इलेक्ट्रॉनिक चश्मे की दुकानें खुली। इस दौरान सभी दुकानों के सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए सभी दुकानों के आगे 1-1 मीटर की दूरी का घेरा बनाया गया है। ग्राहकों को घेरे में खड़ा करके बारी बारी से सामान दिया जा रहा है और दुकानों पर पोस्टर भी लगवाया गया है, दूरी बनाकर रहें, और सभी दुकानदार मास्क और ग्लव्स लगाकर अपना काम कर रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए स्टेशनरी विक्रेता दिनेश गुप्ता, मनीष द्विवेदी, रजनीश द्विवेदी, इलेक्ट्रॉनिक विक्रेता दिलीप गुप्ता, अवधेश कुमार गुप्ता, पंकज कुमार जायसवाल, चश्मा विक्रेता विद्या सागर मल ने कहा। Yeah, did you intense exam ki book hai kya? भैया ड्यूटी वाला कब तक आएगा? दो तीन दिन में आते हैं। ये ऑनलाइन डिलीवरी दे रहे हैं। हम जी रहे हैं, दूर गणेश गुप्ता। स्थिति क्या है? आज तो पहला दिन है, खोला गया है, थोड़ा बहुत सफाई उफाई हुआ है, थोड़ी दुकानें लगी है। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हमने ये गोला बना दिया है और धीरे धीरे जो कस्टमर आ रहे हैं वो उसी के हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग बना कर करके ही सामान ले रहे हैं। जो थोड़ा बहुत सेल हो रहा है वो हम लोगों के लिए तो समझ लीजिए एक बहुत बड़ी बात है। ग्राहकों की क्या स्थिति है? ग्राहक अभी वो आ नहीं रहे हैं, कदू का कोई आ रहा है। मनीष द्विवेदी, अभी बच्चे किताब पाए नहीं, एडमिशन हुआ है, अब धीरे धीरे बच्चे आ रहे हैं, अब जानकारी जब हो जाएगी तो बच्चे। ग्राहकों की क्या स्थिति है इस समय मार्केट में? मार्केट में अभी तो कोई बहुत विशेष नहीं है, लेकिन जो बच्चे आ रहे हैं धीरे धीरे, जो किताब नहीं खरीद पाए, एडमिशन हो गया है, वो आ रहे हैं। मेरा नाम रजनीश द्विवेदी है। जी सर, लॉकडाउन के बाद 5 मई को आज पहले दिन दुकान समय 11 बजे से खुला है और थोड़े बहुत ग्राहक आ रहे हैं। हम लोग डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कर रहे हैं, सारे किट के साथ सभी लोग आ रहे हैं और सभी लोग दूरी से ये काम कर रहे हैं, और प्रशासन का सहयोग इसमें हम लोग को चाहिए कि यह प्रशासन सहयोग देते रहे ताकि हम लोग इस कार्य से शिक्षा जगत में ग्राहकों की सेवा करते रहें और आखिर इनको शिक्षा में कोई दिक्कत ना हो, किताबें मिलती रहें। पहले दिन ग्राहकों की स्थिति छुटपुट है, थोड़े बहुत आ रहे हैं लोग, जिनको बहुत आवश्यक है वही निकल रहे हैं और हम लोग भी निवेदन कर रहे हैं कृपया जिनको जरूरी हो वही आवे। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए पूरे सैनिटाइजिंग किया गया है, ये सैनिटाइजर भी रखा गया है और दूरी के लिए रस्सी बांध दी गई है, सारे लोगों को ग्लव्स मास्क पहना करके सबको रेडी रखा गया है ताकि कोई दिक्कत किसी को ना हो। विद्यासागर मल। स्थिति कुछ नहीं है, सब लोग, कस्टमर कोई है ही नहीं, बस बैठे थे, अभी साफ करके अभी हम लोग चले आएंगे, कोई है ही नहीं, दुकान सफाई होगी अगर चले आएंगे। पंकज कुमार जायसवाल। स्थिति उसी तरह है, थोड़ा सा रिलैक्स महसूस हो रहा है कस्टमर और दुकानदार दोनों को, क्योंकि हम लोग का पंखे का इस समय सीजन है और पंखे वगैरह का ये काम कर रहे हैं, बेच रहे हैं। ग्राहकों को लेकर क्या स्थिति आज पहला दिन है? पहला दिन है, चुटपुट ग्राहक ही अभी क्लियर नहीं हो पाए हैं कि क्या ये पूर्ण रूप से आ पा रहे हैं कि नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए जो है ये इस तरह का थोड़ा ढील मिला है प्रशासन के द्वारा, हम लोग को पेपर में मिला है और ये बनवा रहे हैं ना, इस तरह होटल पे अपना देखा गया है और देखिए ये शॉप खुला गया, इसलिए फुल रूप से नहीं खुला गया, बस प्रशासन ने सहयोग किया है, प्रशासन का हम लोग सहयोग कर रहे हैं
और दूरी बना के अपना जो है 6 फीट की 2 गज की दूरी पे ही सामान दिया जा रहा है। अवधेश कुमार गुप्ता। दिन से लाख हो गया था, दुकान बंद चल रहे थे, आज दुकान खुली है लेकिन अभी कस्टमर है नहीं हम लोगों के पास। जो क्या स्थिति है ग्राहकों की? कोई अभी स्थिति नहीं है, और चूंकि आज मंगलवार है, बंदी का दिन है, अब कल से देखिए संभवतः हो सकता है अगर कुछ ग्राहक फुटकर इधर उधर आए जो है, लेकिन अभी तो बहुत शांति है।